चांद पर इसरो का मिशन 14 दिन चलेगा। इन 14 दिनों में ही प्रज्ञान रोवर चांद पर अपने सभी काम पूरा करेगा। आखिर चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर की टाइमलाइन 14 दिनों ही क्यों तय की गई है? 14 दिनों के वक्त के साथ विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को चांद पर क्यों भेजा गया है? इसका जवाब है चंद्रमा से जुड़ा दिन और रात का रहस्य। अगर आपको लगता है कि चंद्रमा पर भी पृथ्वी जैसे ही 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, तो ऐसा नहीं है। चंद्रमा का एक दिन जितना लंबा है वो वाकई हैरान कर देता है, क्योंकि चंद्रमा पर कुछ भी पृथ्वी जैसा नहीं है। दरअसल चांद का एक दिन पृथ्वी के करीब 28 दिनों के बराबर होता है, यानी करीब 14 दिनों की रात और 14 दिनों का ही दिन। चांद के एक दिन का सटीक समय उतना ही होता है जितने वक्त में चंद्रमा अपनी कक्षा में 360 डिग्री घूमते हुए पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। ऐसा करने में चंद्रमा को कुल 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.5 सेकंड का समय लगता है। यही वजह है धरती के मुकाबले चांद पर करीब 14 दिनों की रात और 14 दिनों का दिन होता है। दरअसल चंद्रमा अपनी धुरी पर बहुत ही धीमी गति से घूमता है। यही वजह है कि उसे पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.5 सेकंड का समय लगता है। ऐसे में पहले एक हिस्सा काफी समय तक पृथ्वी की ओर होता है, फिर यही हाल चांद के दूसरे हिस्से का होता है। चंद्रमा पर रात भी दिन जैसे लंबी होती है और रात के वक्त सूरज की किरणें नहीं पहुंचती, यानी चंद्रमा पर 14 दिन तक ही उजाला रहता है। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर में सोलर पैनल लगे हैं। वो चाहे लैंडर हो या फिर रोवर, अपने सोलर पैनल से ही ऊर्जा पैदा करेंगे। ऐसे में 14 दिनों तक जब तक चांद पर दिन का वक्त रहेगा, यानी जब तक सूरज की रोशनी आती रहेगी, तब तक वो पावर जनरेट कर लेंगे, लेकिन रात होने पर सोलर पैनल काम करना बंद कर देंगे। यही नहीं, लैंडर और रोवर चंद्रमा के भयंकर ठंड को झेल नहीं पाएंगे और बर्फ जमा देने वाली सर्दी में उनके खराब हो जाने का खतरा रहेगा। इसी वजह से चंद्रयान 3 मिशन को 14 दिनों का रखा गया है, ताकि चंद्रमा पर रात होने से पहले विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपना काम पूरा कर लें।